मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था I'll be back with top G person. So here I am with him. Money's not real. I have this saying and nobody seems to understand. I say money's not real. And people say, what do you mean money's not real? Money's not real. Money isn't real. It's just numbers. It's all fucking invented. It's printed from the sky. It's garbage. तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए टॉप जी किसको बोलते हैं. टॉप जी वो इंसान होता है जो फेयरलेस होता है, एकदम सैवेज, किसी से भी ना डरने वाला, जो जानता है इस दुनिया के लोगों के साथ कैसे बिहेव रखना है और अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है. और ये जो उसके अपने होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, नॉट फॉर एवरीवन. टॉप जी इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टर पर्सन विद सो मच हाई वैल्यूज. ऐसा इंसान जो गोरिल्ला माइंड रखता है, नो इमोशंस, और जिसको हर सवाल का जवाब तो नहीं पता लेकिन वो ये जानता है आंसर कैसे ढूंढना है. और सबसे बड़ी बात, वो लड़कियों को अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से कंपेयर करता है. That's called Top G. And then they become a gangster. And I am sure तुम इस इंसान को जानते हो. और ये स्टोरी है most famous internet gangster की. लास्ट वीक आई वॉज स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब एंड लुकिंग फॉर सम गुड कंटेंट. मैं ऐसा कंटेंट देखता हूँ जिससे देखकर मेरा फायदा हो. और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, टाइम पास करने के लिए मैं यूट्यूब कभी ओपन नहीं करता. मेरे सेलफोन की लोकेशन पाकिस्तान की थी तो मुझे यूट्यूब के ऊपर सारा कचरा नजर आ रहा था. मैंने अपने सेलफोन को स्क्रीन ऑफ किया एंड देन आई क्लोज माय आईज. फट से मेरे जहन में आया ब्रो चेंज द लोकेशन. वीपीएन ओपन करने के बाद आई हैव जंप्ड इनटू यूनाइटेड स्टेट एंड हियर वी हैव यूनाइटेड स्टेट ट्रैफिक ऑन यूट्यूब. मैंने सिर्फ एक बार स्क्रॉल किया और फिर मुझे ये दिखा, एंड्रू टेट डिस्ट्रॉयज मॉडर्न वुमेन. डिस्ट्रॉयज रीड करने के बाद मैं सोचने लगा इसके पास ऐसा कौन सा सीपोर है. और जब मॉडर्न वुमेन रीड किया मुझे समझ आ गई, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, टॉप जी इंसान लड़कियों को डिस्ट्रैक्शन के सिवा और कुछ नहीं समझता. ये एक पॉडकास्ट की वीडियो है जो अराउंड 50 साल की उम्र में वुमेन रन कर रही है, आई मीन टू से होस्ट कर रही है. मुझे जानना था इस वीडियो में क्या है एंड आई जंप्ड इन. आई नोटिस दैट एक आदमी पांच लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है. और यहाँ पर इस बंदे की बातें सुनने के बाद मुझे लगा ये बंदा असली है. ये पॉडकास्ट के ऊपर बैठकर जो बातें कर रहा है ये उन लोगों के लिए बहुत ही टॉक्सिक है जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं. ये उन लड़कियों की धज्जियां उड़ा रहा है जो बोलती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी. एंड आई एग्रीड विद हिम, दैट्स जस्ट द वे इट वर्क्स. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? वेट एसो वन सेकंड सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? व्हाट वुड यू से इफ अ वुमन नाउ इज मैरिड टू टू मेन? Haram. Haram. Why? No, I'll tell you why. Let's talk about this. Mm. What is the difference between a man, let's say me, I have four wives, right? What's the difference between a man having four wives and a woman having four men? You can impregnate the four wives at the same time. You can impregnate the four wives at the same time, and we know who the parents are. If a woman got pregnant, she needed a man to survive. If that man didn't take care of her during pregnancy, she was going to die. She couldn't work a job, she couldn't hunt, couldn't fish, whatever, right? A woman literally needed that man for survival. So if you were to come to me and say I'm pregnant, but you've been fucked by four different dudes, I'd be like, who says it's mine? Why am I looking after you? लड़की बोलने लगी, जब एक आदमी चार लड़कियों से शादी कर सकता है तो राइट वुमेन्स के लिए भी इक्वल होने चाहिए. हम भी चार आदमियों से रिलेशनशिप में रहेंगे, अब भले वो सेपरेट हो या फिर वो लिव इन में हो. एंड एंड्रू कट हिज आईज ऑन दैट वुमेन और उसको जवाब दिया, एक आदमी एक टाइम के ऊपर चार लड़कियों को प्रेग्नेंट कर सकता है. और जब बर्थ तक बात आएगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर लड़की के साथ होगा, क्योंकि वो जानता है उसके अंदर उसका अपना बच्चा है. अगर एक लड़की चार आदमियों के पास जाती है और उसके ऊपर ये टाइम आता है प्रेग्नेंट का, तो वो अगर किसी एक के पास भी जाएगी हॉस्पिटल जाने के लिए तो वो उसे फौरन बोलेगा वो मेरा बच्चा है, जाओ बाकी तीन ढूंढो. फिर मुझे इस बंदे को ढूंढना पड़ा क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से मॉडर्न वुमन को बर्न कर रहा है ना, अमेजिंग. फिर मैंने इसका फैशन फिट के ऊपर दूसरा पॉडकास्ट देखा, अ डार्क फ्यूचर इज कमिंग फॉर दिस वुमन. डार्क रीड करने के बाद माइंड में यही है, ये बंदा कुछ ऐसा जानता है जो अभी तक किसी के माइंड में बात नहीं है. फिर मैंने देखा फ्यूचर, जहाँ पे मेंशन होता है फ्यूचर वहाँ पे मेरा मानना यही है कुछ इंसान ऐसी प्रेडिक्शन कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है. आपको मस्ट देखना चाहिए, काफी हेल्प हो जाती है मेंटली. और वुमन रीड करने के बाद आई जंप्ड इन दैट वीडियो. मैंने फिर वही आदमी देखा जो 10 लड़कियों के बीच में बैठा है, फ्यूचर और गोल्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. ये पॉडकास्ट देखने के बाद आई वाज लाइक, अबे इतनी रियलिटी तो किसी रियलिटी शो में भी नहीं होती जितना ये रियल टॉक कर रहा है. जनरल girls lose their memory, girls lose hair, girls get diabetes, so, heart failure. So if you know that it's dangerous to carry a child in general, sorry, my headphones fell off. If you're not gonna have children, what are you gonna do with your lives? A genuine question. I mean, a lot of women. Let's go around the table. That's a good question. Okay, go ahead. Go around the table. Here. If I'm not going to have children, travel, just pursue anything that makes me happy, try to make money. I love traveling, so I would probably just
drink cocktails on a beach. Okay, next. I'm just gonna be completely honest. I don't know what I would do because that's my because you want children because it's important. That's been my that's my dream. That's my goal. Have children. High five. तो ये बहस हो रही है बच्चे को लेकर. तो एंड्रू यहाँ पे पूछ रहे लड़कियों से, अगर तुम अपनी लाइफ में बच्चे पैदा नहीं करना चाहो तो तुम क्या करोगी. तो लड़की बोल रही है बच्चा पैदा करना बहुत ही रिस्की है मेंटल हेल्थ के लिए, ज्यादा असर पड़ता है और सर के बाल भी गिर जाते हैं और भी बहुत कुछ. 9 में से 6 लड़कियों ने यही बोला, हम अपनी लाइफ एज ए स्ट्रिपर गुजारेंगे, अमीर लड़कों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, बीच पे जाएंगे, अल्कोहल पियेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे. सिर्फ 3 लड़कियों ने बोला भाई हमें फ्यूचर का नहीं पता क्या होगा, हमारे गोल्स फ्यूचर और हमारी लाइफ में बच्चे जरूरी हैं. यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे ही हैं. खैर सबके आंसर सुनने के बाद, नाउ लिसन व्हाट टॉप जी गिव देम आंसर, ही नॉक आउट ऑल दी गर्ल्स हु सेड दे ऑल वांट देयर करियर नॉट फैमिली. एंड व्हेन यू आर 52 एंड यू आर पास्ट इट विद नो ग्रैंडचिल्ड्रन इन अ हाउस बाय योरसेल्फ and all your friends have grandchildren, this beautiful life, and you're sitting there by yourself, do you think the fact that you can afford a few extra Gucci bags is going to genuinely make you feel happy? You had 70 sentient beings, including myself, full of life from one woman who dedicated herself to being a mother and a good wife. That is beautiful. And if you sit here and genuinely think that you're going to work your ass off through your fertile years, and by the age of 54, you're not going to be suicidal alone with a cat, then you're dumb. You are dumb. Right, I'm not saying you are dumb. Perfect pleasure. 50 साल की उम्र में गुची बैग रखने से अच्छा इंसान अपनी लाइफ में बच्चे रखे. और ये चीज गुची का बैग रखने से खुशी नहीं है लाइफ में, बच्चे होने से है. फिर मुझे पता चला ये इंसान है एंड्रू टेट, सेल्फ मेड मिलियनर, 4-time किकबॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन, जो पैदा वाशिंगटन डीसी में हुआ था और आजकल दुनिया के करप्ट कंट्री रोमानिया में रहता है, क्योंकि एक करप्ट इंसान करप्ट कंट्री में ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है. वहाँ की गवर्नमेंट की बैंक में डॉलर होने जरूरी है और दुनिया में कॉपर कलर की एक ही बुगाटी है जो कि इसके पास है. और ये अपनी एक वायरल क्लिप से भी ज्यादा जाना जाता है. किसी ने इसको कहा बुगाटी इस कलर की क्यों ली है, तो इसने जवाब दिया, 2021 से ये इंटरनेट के ऊपर ऐसे वायरल हुआ लाइक रैपिड फायर. बिना खुद को स्पॉन्सर किए इसको सिर्फ वही लोग फॉलो करते थे जो बॉक्सिंग को लाइक करते हैं, और तब इसके बहुत ही ज्यादा कम फॉलोअर थे. लेकिन अब हाउ इज दैट पॉसिबल, अब जैसे कैरी मिनाटी ने टिकटॉक को डाउन किया था, इस बंदे ने टिकटॉक को दोबारा उठाया. इसका अपना टिकटॉक का कोई भी अकाउंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैन पेज बने हुए हैं और जो भी रैंडम बंदा इसकी टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखता है तो वो इससे एग्री करता है. ये बंदा ब्रेन के लिए काफी पावरफुल सेल है और अब ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी वायरल हो रहा है. हर दूसरी या तीसरी रील इसी की होती है, जिसमें ये बार बार यही बोल रहा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं कर सकता, भले तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री ही क्यों ना हो तुम मिलिंदर नहीं बन सकते. मैं इसकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूं. और ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कभी ना कभी ये चीज आपने जरूर सर्च किया होगा, इस दुनिया में अमीर तरीन इंसान कौन है. आई एम 100% श्योर एलन मॉस, जेफ बिजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ये सभी आए होंगे और इनके पास स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है. स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमें ये सिखाती है 6 सेमेस्टर 5 में कम्प्लीट करने के बाद तुम डॉक्टर बन सकते हो, ना कि मिलियनर. आई हैव सीन मेनी सेलिब्रिटीज एंड कंटेंट क्रिएटर इन माय लाइफ जो सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ बड़ी गेम खेल रहे हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, जब उनका किसी ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता दे डोंट केयर, लेकिन जब उनको कोई ब्रांड मिलता है, जब उनकी जेब में पैसे आते हैं, दे प्रिटेंड लाइक वो ब्रांड उनका दादा परदादा यूज करता आ रहा है. तो उससे अच्छा कोई ब्रांड है ही नहीं, तो जो देख रहा है वो इसको खरीदे. अपने सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस का मिसयूज किया जा रहा है. एंड्रू टेट अपनी हर वीडियो में बोलता है तुम कैसे अमीर बन सकते हो, और दूसरी तरफ जिनको तुम फॉलो करते हो दे डोंट केयर अबाउट यू. Andrew is 36-year-old now and he left the boxing. Like boxing gloves नहीं पहनता, लड़ना अभी भी जानता है. वैसे तो रिच जज करने के लिए बुगाटी शिरोन काफी है, लेकिन फिर भी इसके पास 21 स्पोर्ट्स कार हैं, जिनकी कीमत मिलियंस में है. टॉप जी इसको दुनिया बोलती है, लेकिन ये खुद को बैटमैन इन रियल लाइफ मानता है. I realized yesterday that I can actually, genuinely, right now, nothing is stopping me from becoming Batman. Nothing. I have a bat cave. Okay. Yep. I have an Alfred. Okay. I have a Batmobile, a Bugatti. Yep. I can fight. Yep. Rich as fuck. You can afford body armor and all the crap that Batman needs. I can buy it all. I'm charismatic. There is nothing stopping me putting on a suit and being Batman. Not pretending to be Batman. Actually 100% being Batman. Stopping criminals. एंड्रू टेट और इसके भाई ट्रिस्टन टेट के अंदर एक बहुत ही मजबूत रिलेशन है और एक दूसरे के ऊपर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये अंधा यकीन करते हैं. बैंक अकाउंट एक है लेकिन एसेट्स दोनों के पास है, बिजनेस भी सेम है और हाउस भी सेम है, सब कुछ ये शेयर करते हैं और ऐसा भाईचारा शायद किसी में हो. इवन जब ये प्राइवेट जेट के ऊपर उड़ते हैं तो दोनों भाई साथ होते हैं, और जब जमीन के ऊपर स्पोर्ट्स कार में ड्राइव करते हैं तो दोनों साथ होते हैं. प्लेन क्रैश हो गया या कार का एक्सीडेंट, ये बोलते हैं अगर हम जी साथ रहे तो मरेंगे भी साथ. दे आर टेट ब्रदर्स एंड आई लव दैट पॉजिटिविटी एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स.
ट्रिस्टन टेट भी एक बॉक्सर है लेकिन वो कभी चैंपियनशिप में गया नहीं है। दोनों की हाइट 6 फीट है और दोनों बिल्कुल फिट हैं और इनके पास पैसा पानी की तरह है। लेकिन इनकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी। इनकी कामयाबी के पीछे ऐसा क्या अमल है जो आज ये मिलियनर है, और जब ये खर्चा करते हैं तो मिलियंस उड़ा भी देते हैं। और इनको ऐसे पैसे उड़ाते हुए देखकर लोग यही कहने लगे कि ये माफिया है, ये कोई गैंगस्टर है, कोई कोकेन या ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, तभी तो इतने अमीर है। एक डिसेंट लुक ने इनको माफिया का नाम दे दिया, पर गलत और इलीगल काम ये करते नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आया। जब ये दोनों 25 साल के थे, खाने तक के पैसे नहीं थे और कुछ भी नहीं था इनके पास। दोनों भाई कंगाल थे। 25 से पहले ट्रिस्टन टेट का 21वां बर्थडे था और फिर ये हुआ। Yesterday was my birthday and me and Andrew, what did we eat on my birthday? Why did we eat KFC? Because when I was 21, me and Andrew used to have no food. I used to drive my broken Volkswagen Golf to the KFC restaurant in Dunstable, United Kingdom, and I used to sit in my car. And you couldn't ever eat anyone's leftover food if they ever had their mouth on it. But at KFC, they used to buy buckets. And I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal, and leave the bucket on the table. And I used to go and take that bucket, 3 or 4 pieces of chicken. And I used to collect 20, 30, 40 pieces of chicken that were perfectly fine left in the buckets. And I used to go home and I used to freeze that chicken. And me and Andrew would break it up, put it in our rice, and that was our meal. That's what sustained us for that hard year, that year we had when I was 21 and you were 22. That's how broke we were. I used to scavenge chicken from KFC because I thought, fuck it, I'm not dying and I'm not losing my kickboxing fights because I don't have enough protein. What am I going to do to make it through today? That's how broke I was. And that's a sad story if you never make it out. To me, that's a happy story. That's a story of triumph. Now it's like, hey, Andrew, it's my birthday. What are we doing? KFC? And it's a big joke. We sit there eating our KFC laughing about how we used to scavenge KFC chicken. अब सोचने वाली बात है, इसने क्या सोचा ऐसा जिससे ये अब दुनिया पे राज कर रहा है। आखिर बुगाटी के पीछे क्या राज है? अकॉर्डिंग टू ट्रिस्टन टेट, ये दोनों भाई रोड के कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए थे और इनके सामने से एक स्पोर्ट्स कार गुजरी, और जब तक वो कार इनकी आंखों से गुम नहीं हो गई, दोनों भाई उसको देखते रहे। जब वो कार डिसअपीयर हुई तो ये खुद को देखने लगे। एंड्रू बोला, हाउ? वो स्पोर्ट्स कार वाला इंसान ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? हमें मैट्रिक्स कंट्रोल कर रही है, वी आर इन ट्रैप, और हमें इससे निकलना है। उस दिन से दिमाग में एंड्रू के एक बात फिक्स हो गई, दैट इज मनी, मनी एंड मनी। अब वो कैसे आएगा ये बात वो नहीं जानता था, बट टॉप जी नोज हाउ टू फाइंड द आंसर्स। I first made my millions of dollars. The first time I ever became a millionaire was with Webcam Studio. Some dude on YouTube, I don't know who he was, some dork. And he was saying the difference between an asset, a liability, et cetera, et cetera. So I started trying to write down what I had. I was like, I have an apartment, I have a BMW. I'm in good shape, but I already use that for fighting. You know, what can I do? I can play chess. I'm just writing down the things I have and what I'm good at. And then I kind of realized, I was like, I've got like 8 girlfriends. But because I was traveling the world, and if you win, you get a ring girl. It's kind of like just she's banging the winner, right? You win a world title, you get to choose the ring girl you want. It's pretty easy. उसने YouTube ओपन किया और सर्च किया about money. फिर उसको एक वीडियो मिली और उस वीडियो से mind blowing आइडिया मिला। उसने पेन और पेपर उठाया और पेपर के ऊपर लिखना शुरू हो गया जिस चीज की वजह से उससे पैसे आते हैं और जिस चीज की वजह से उसके पैसे जाते हैं, about asset and liabilities. Asset वो चीज होती है जिससे तुम्हें पैसे आए, और liabilities वो चीज होती है जिससे तुम्हारे पैसे जाएं। तो उसने पहले वो सारी चीजें नोट की जिसमें वो है, ऑफ कोर्स बॉक्सिंग, बट वो ऑलरेडी अपना 3 बार हाथ तुड़वा चुका है और उससे कुछ खास सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनती, मतलब मिलनर नहीं बन सकता उससे। और एक पुरानी कार थी जिससे कुछ खास फर्क पड़ना भी नहीं था। फिर उसको याद है वो तो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड भी हैं, और ये लड़कियां वही होती हैं जिनको रिंग गर्ल्स बोलते हैं, बॉक्सिंग के मैच में राउंड डिस्प्ले करती हैं। जो भी मैच जीतता है वो रिंग गर्ल को अपने साथ ले जा सकता है घर। एंड्रू वर्ल्ड के काफी डिफरेंट कंट्री में मैच कर चुका है और हर कंट्री की गर्लफ्रेंड है उसके पास। अब उन लड़कियों को एज एसेट तो यूज कर सकता है, लेकिन उसे एक सही वे नहीं मिल रहा था। उसने सोचा एक स्ट्रिप क्लब खोलूं, पर उसके लिए किसी बड़े गैंगस्टर का सपोर्ट होना जरूरी है। तो कुछ दिनों के बाद इस आइडिया को एंड्रू ने स्किप कर दिया। I thought, man, I investigated strip clubs, way too much money. But this asset class of beautiful women was kind of on my mind for a few days. And then by absolute coincidence, I stumbled upon somewhere on the internet. I was on one of those websites where you used to download like free games and bullshit from. And in the corner somewhere it said, hot girls want to talk to you now or something. I said, hot girls. So I clicked on that, not because I was interested, but because I thought I have hot girls. And it was one of those webcam websites.
And I was like, ah. And then वो दोबारा नेट के ऊपर बैठ गया. उसके सामने एक वेबसाइट खुलाई. कोई डाउनलोडिंग की वेबसाइट थी और उसके कॉर्नर के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया, जो कि एक एड था, टॉक विद हॉट गर्ल्स. उसने उस एड के ऊपर क्लिक कर दिया. हॉट गर्ल्स को देखने के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास हॉट गर्ल्स थी. वेबसाइट के ओपन होते ही उसको एक स्ट्रिपर लड़की दिखी, जो बात करने, चैलेंज करने या डेयर करने के पैसे चार्ज कर रही थी. काफी सारे लोग उसको तरह तरह के डेयर्स दे रहे थे और ऑनलाइन डॉलर भी भेज रहे थे. उसने लैपटॉप बंद किया, लंबी सांस ली और अगले दिन 5 लड़कियों को कॉल करके लंदन बुलवा लिया. 5 में से 4 लड़कियां आईं, उनको एक टेबल के ऊपर बिठाया और अपने बिजनेस का आईडिया एक्सप्लोर किया उनके सामने. लड़कियों से कहा, अगर काम करना चाहो तो बैठो. इफ यू एग्री देन सेट, इफ यू डोंट टेक योर रेस्ट फ्रॉम हियर एंड गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम. 2 गर्ल्स लेफ्ट, पीछे रह गई सिर्फ 2 लड़कियां. लोग ऐसे ही नहीं बोलते, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग. ये काम करता है, बस आइडिया यूनिक होना जरूरी है. 2 लड़कियों से काम शुरू हुआ था और 25 लड़कियां हो गई. इतना पैसा आ गया कि करप्ट कंट्री जाना पड़ा. वहाँ पे फिर एंड्रू ने जाकर कैसीनो खोल लिया अपने और अपना बिजनेस ग्रो करने लगा, मजीद पैसा कमाने के लिए. और अब ओएफ मैनेज करता है ट्रिस्टन टेट, जिससे काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, जो कि बिलियंस तक जाता है. कैसीनो और बिजनेस एंड्रू टेट खुद हैंडल करता है. कल खाना खरीदने के भी पैसे नहीं थे और आज इनके पास मिलियंस हैं. अब क्या चीज बाकी रह गई थी इन भाइयों के पास, और उसका आंसर था एंड्रू के पास. दैट इज हाई वैल्यू फेम. स्लैप स्लैप ग्रैब चोक शट अप बिच सेक्स. ओनली अ कैट ओनिंग बिच वुड कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट अ फकिंग जोक. आई वॉक इन द हेल एंड द डेविल्स लाइक, ओह आई एम गोना बर्न यू. आई एम गोना डू शिट. I find myself super funny. I find myself super funny. The French are weird. One dude, he must have been about 50, got naked, then go on the dance floor and just like start to dance. Just like, why? Why? So what happens is you're standing there and they say, oh, I don't actually eat gluten. बिना टिकटॉक के उसके नाम के बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं और उनपे मिलियन व्यूज हैं. इवन यूट्यूब के हर पॉडकास्ट पे एंड्रू है. उस पॉडकास्ट से मिसिंग है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. कल कोई सेलिब्रिटी जानता नहीं था, अब उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे टॉप जी मेंशन करके टैग कर रहे हैं, उसके किए हुए पॉडकास्ट के ऊपर बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं. How many videos did I record in this show? A lot, ladies and gentlemen, but today we're reacting to Andrew Tate. I'm sure. Positive mind के साथ negative mind लेकर भी लोग उठ रहे थे Andrew के खिलाफ. फिर ये हुआ. अब जहाँ एलन मास्क ट्विटर पे फ्री स्पीच फॉर एवरीवन बोलता है, हर कोई अपनी खुली राय दे सकता है ट्विटर के ऊपर, एंड्रू तो रियलिटी के ऊपर बात करता है और अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर करता है. उसको एलन मास्क ने बैन कर दिया बिकॉज ऑफ दिस ट्वीट. इफ दे किल मी आई लव यू ऑल. मारने की धमकियां तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो पहले भी काफी सारे मसले में फंस चुका है. एंड्रू टेट और उसका भाई ट्रिस्टन टेट अरेस्ट भी हुए थे बाय पुलिस. रोमानिया की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एंड्रू किडनैपिंग करता है और लड़कियों को बेचता है. तो जब उन्हें पुलिस ले जा रही होती है, उनकी एक क्लिप और फोटोज वायरल होती है. ये लगने के बाद नेगेटिव माइंड जितने भी थे वो सब एक साथ हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ हमने तो बोला ही था ये इंसान ऐसा ही है. और फिर ठीक अगले दिन वो स्ट्रीम पे आए और उन्होंने बताया एक्चुअली में हुआ क्या था. Being you run an international kidnapping and human trafficking ring. This is a good one because I love this because everyone who dislikes us and hates us instantly jumps to. They're sex traffickers. Yeah. That's why we're on a podcast and like completely free in our house. Is house arrest? I mean, what is this? That's why we're free to travel the world. Right? Can I talk a little bit about the origins of this story? So the origins of this story is because there were some photographs of the police who did in fact come to my house, and the police did in fact search my house. Now the internet, like everything else, they get pictures of the police searching someone's house. The internet can just run away with whatever it wants to say. But the actual story, I wish it was something cooler. It's so fucking lame that I'm gonna tell you all right now. A girl had been at a party at my house, and her boyfriend, who was obviously a fan of Emergency Meeting Live, saw her Instagram stories, said, oh my God, you're at the Tate Brothers house in Romania. This was some American chick. And she went, no, I didn't want to come to this party. They made me come here and I'm not allowed to leave. She said that to her boyfriend as some bullshit excuse. So her boyfriend is obviously one of these believe all females. Oh my God, my girlfriend. She wasn't even hot. She was ugly. He calls the fucking police and says, my girlfriend's being held against her will by the Tate brothers. The police call the American embassy, and the next day, the police come to our house. Fully loaded, the American embassy send the cops to our house. Now, they take us to the police station. So all the pictures of me and Andrew being taken away by the police, those are real photos. And what happens is they search our house. They find no drugs. They find no women. They find no people. They find nobody. It's a big, luxurious, amazing, badass fucking house, but there's nothing illegal in the house. So we're sitting there at the police station. The prosecutor says, yes, we searched your house. I'm like, all right, good. What'd you find? Well, nothing.
But the report said that you were holding people hostage. I said, bro, there was no one at my house. He goes, yes, I know. Well, we checked the CCTV. I said, oh, what did you find? The girl who made the complaints was outside the gates taking pizza delivery and coming back inside. Ha ha ha. So I'm sitting there laughing. The police are laughing. The prosecutor is laughing. And then I went home. But the internet being the internet, now we run an international human trafficking kidnapping ring. But we didn't go to jail for even one. ये पहली बार जेल नहीं गया था और भी बहुत केस चल रहे हैं इस पे, लेकिन इसको पकड़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिल रहा। एट दिस टाइम पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले हैं और पूरी दुनिया में इसकी जान लेने वाले हैं। टॉप जी ये लोगों की जुबान पे है और ये खुद एक बैटमैन है। मैंने अभी तुम्हें एक टॉप जी इंसान की स्टोरी बताई जो एट दिस टाइम इंटरनेट गैंगस्टर भी है और सेल्फ मेड मिलियनेयर भी। दे आर रेडी फॉर द बिग मैन स्लैप। आई गॉट अ बिग हैंड। आई बस्ट देयर जॉ विद द बॉटम ऑफ माय हैंड एंड द टॉप ऑफ देयर हेड विल फील द स्टिंग फ्रॉम द फिंगर्स लाइक अ होल बूम। अब तुम बताओ टॉप जी बनना चाहते हो या नहीं। जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करो, फास्ट करो। डोंट रन बिहाइंड द गर्ल्स एंड बी हाई वैल्यू पर्सन, नॉट ऑप्शन।